सकते हैं। बच रहा हूँ सर, मोबाइल वाला ऐप बना है क्या है, कैसे उसकी लॉन्चिंग की जा रही है और क्या लाभ मिलेगा लोगों को? देखिए प्रायः यह देखा जाता है कि लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के डेट में मोबाइल इंसान का अल्टर ईगो बन गया है, इसके लिए कई बार उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता है। तो ये उनके लिए एक सुविधा लाई गई है रायबरेली पुलिस द्वारा, जिसमें कि एक लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से वो अपने खोए चोरी हुए मोबाइल की जानकारी दे सकते हैं, जो कि हमारे सर्वलांचल के पास सीधे सीधे वो जानकारी पहुंचेगी उस लिंक के माध्यम से, और उनके मोबाइल्स को ट्रेस किया जाएगा, उन्हें कहीं थाने इत्यादि जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लिंक पे केवल उन्हीं मोबाइलों के बारे में जानकारी दी जाए जो कि जनपद रायबरेली में खोए हैं या जनपद रायबरेली से संबंधित है, और इस पर कोई गलत सूचना यदि देगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इन मोबाइल्स का डेटाबेस बनाकर इनको ट्रैक और ट्रेस करते हुए संबंधित मोबाइल मालिक को वापस जो ऐप है सिर्फ रायबरेली के लिए है या पूरे प्रदेश में? थोड़ा ये अभी रायबरेली के लिए किया गया है, और ये डेटाबेस के आधार पर रायबरेली पुलिस की जो सर्विलांस सेल है वो काम करेगी। जिस हिसाब से लोगों का मोबाइल खोता था उनको दिक्कतें आती है, पहले थाने जाए फिर आपके पास एसएमएस मिला, किस तरह से उनको लाभ मिले? जी जैसा मैंने बताया, इसमें थाने आने की आवश्यकता नहीं है, या मेरे पास भी पुलिस कार्यालय में कई लोग आया करते थे कि साहब हमारा मोबाइल खो गया है, तो अब इनको ये सुविधा रहेगी कि ये घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही अपने डेटा फीड कर सकते हैं, और उसमें एक नंबर दिया गया जिससे वो फीडबैक ले सकते हैं कि उनके केस में क्या प्रोग्रेस हुआ है।